तो दोस्तों ये अंडों की जर्दी का तेल बनाने की तैयारी कर रहे हैं कुछ खास जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर। इसके अंदर भी करीब करीब देसी अंडे होंगे और इसके अंदर ये देख सकते हो एक खास तरह की कई सारी जड़ी बूटी मिलाई हुई हैं इसके अंदर, जो कि गंजेपन पर बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है दोस्तों इनका। अब इन्हें बढ़िया करके कुटाई करी जाएगी इनकी इसके साथ, और इसकी कोट पीट कर घुटाई करके शीशी में भर के पताली अंतर के दोबारा इसका तेल निकाला जाएगा। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अपने तमाम सभी जड़ी बूटी इसमें कूट कर मिक्स कर लिए, अभी हम इसे कप रोटी वाली बोतल में भर लेते हैं इसके अंदर। तो फाइनली हमने छोटी छोटी इस तरह की बत्ती बना के इसके अंदर डालने शुरू कर दिए। हम सभी सारा कुछ डाल देते हैं इसके अंदर। अब ये हमने इसके अंदर सब कुछ भर लिया है, देख सकते हो। अब इसके अंदर लगा देते हैं झाड़ू की तिल्ली, और तार भी लगा सकते हो इस तरह। अब इस तरह हम इसके अंदर झाड़ू की तिल्ली अच्छी तरीके पर ठोक ठोक के भर देंगे, और तार भी भर सकते हो। तार ही अच्छी चीज़ रहता है, ठीक है। सब पूरा फाइनल भर के दिखाते हैं आगे। फाइनली दोस्तों मैंने इसके अंदर झाड़ू की तिल्ली लगा दी है अच्छी तरीके से, इसका मुंह बंद कर दिया है, देख सकते हो। और आप हो सकते हो तार से बंद करना, क्योंकि तार ज़्यादा बेहतर है। कई बार ऐसा होता है जल जाती हैं तिल्लियाँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी आगे से कटिंग कर ली है इसकी, ताकि हम शीशी के अंदर डालने के आसानी हो जाए। और अपना यह पताली अंतर ये देखो, इसके सेंटर में मैंने एक सुराख करा है बिल्कुल सेंटर के अंदर। और ये अभी तेल का टीन है, ये देख सकते हो तेल भी इस पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी शीशी को हम इसके अंदर इस तरह खड़ी कर देंगे उल्टी करके, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर जब उल्टी शीशी खड़ी हो जाएगी, इसके शीशी के चारों तरफ हम मिट्टी लगा देंगे, ताकि इसके अंदर से कुछ राख वगैरह इसके अंदर ना गिरे, ठीक है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है इसके अंदर ऐसे बराबर में सुराख भी कर देते हैं, ताकि हवा इसके अंदर आहिस्ता से पार होती है, लेकिन हम सुराख नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चांदी के कुश्ते को बहुत छोटी सी एक आग देनी है, ठीक है। तो अपना चांदी का कुश्ता भी इसी आग के अंदर लगा देंगे हम। अपना चांदी भी रखी हुई है, ठीक है, बहुत छोटी आग देनी है एक चांदी के कुश्ते को। और अपने एक गोए हैं, इन्हें अभी इसके अंदर खड़ी करके अब मिट्टी लगा देते हैं अभी हम इसके अंदर। देखो दिखाता हूँ अभी आप, ये देख सकते हैं हम अपने इसके चारों तरफ मिट्टी लगा दी है। अब इसके हम जब अंदर लगाएंगे ना, तो इससे बिल्कुल चिपक जाएगी इस तरीके से, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में खड़ी हो गई, और इसके चारों तरफ खुद ब खुद ऑटोमेटिक मिट्टी आ गई है। और ये अपना ये दिख रहा है, ठीक है, अपना यहाँ पे तेल निकलता हुआ भी दिखाएगा। और हम इसके अंदर गोए भर देते हैं, ठीक है ना। ये अपना ये हमने गोयों से उपलों से भर दिया है पताली अंतर अपना, अब इसके अंदर हम आग लगा देते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, कई बार बकरी की मैंगनियों से भरते हैं, जो भीड़ बकरी पालते हैं वो जो मशागन करती हैं, मैंगनी बोलते हैं, मशागन बोलते हैं, तो कई बार उनसे भरते हैं गोयों की जगह, इन उपलों की जगह, उन मशागनों को लगाते हैं उनको, वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। उनके अंदर फिर टीन के अंदर छोटे छोटे सुराख मार देते हैं, तो उनसे हवा पास होती रहती है अच्छी तरीके से, उसमें भी बहुत अच्छी आग होती है उनकी। पर जब ना हो तो आप इस तरह गोए भी लगा सकते हो। और अपना ये ध्यान रखना है, जब भी आग इसमें चल जाए, थोड़ी सी चल जाए, जलने के बाद अपना ये जो बारीक उपलों का जो पाउडर है इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि आग भड़का नहीं निकले इसके अंदर से, जो आग भड़के ना, और आहिस्ता आहिस्ता आग नीचे चलती रहे और तेल अपना निकलना शुरू हो जाए। तो अपना चांदी का हमने इधर दिया है, छोटी आग थी ये, तो मैंने सोचा इसमें नहीं आएगी, फिर मैंने इसे अलग ही कराया चांदी को। तो आपको फाइनल चांदी भी दिखाता हूँ निकाल के, जो बन जाएगी। मॉर्निंग नाइट में इसे रखा था पताली अंतर को, अब हम इससे सुबह हो गई है, देख सकते हो सब कुछ जल चुका है इसके अंदर से, ये दिख रहा है अपना शीशी भी ये दिख रही है। और अपना तेल देखते हैं इसमें कितना हासिल हुआ। तो दोस्तों ये गंजेपन के लिए बहुत अलग किस्म का काम करता है, ये देख सकते हो। ये सुरक्षा तेल है गोल्डन से कलर का, ये देख सकते हो। तो ये बिल्कुल गोल्डन से कलर का तेल बनाया है एक, और ये दोस्तों गंजेपन के लिए बहुत अलग किस्म का काम करता है। जैसे सिर पे चिकत्ते चिकत्ते से उड़ जाते हैं बाल, जगह जगह से उड़ जाते हैं, और दोनों साइड ही उड़ जाती हैं, और बीच सिर में से चांद बन जाता है, गंजापन हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों बहुत बढ़िया आला किस्म का काम करता है दोस्तों ये लगाने के लिए। और दो तरह के तेल होते हैं दोस्तों, एक अपना ये है, और एक तेल और है, मैं वो भी बनाऊंगा जल्दी में, तब आपको दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट है, मैंने कई बार बनाया है, और अभी भी किसी की रिक्वायरमेंट में बन रहा है दोस्तों ये। मैंने इसे जो लेडीज होती हैं बाल बहुत ज़्यादा उनके झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, छोटे बाल हो जाते हैं, मोटे नहीं होते, बिल्कुल बारीक बाल हो जाते हैं, लंबे नहीं होते दोस्तों, छोटे छोटे बाल रहते हैं, एक एक डेढ़ बिलांद के। तो दोस्तों उससे तेल में मिला के लगाया जाता है फ्री से दोस्तों। एक महीने में आप जिस भी माता बहनों को देंगे ना दोस्तों, वो आपकी तारीफ करेगी कि हाँ मैं सिर में कुछ लगा रही हूँ, मेरे बाल एकदम बढ़ गए हैं, एकदम घने
काले सिया हो गए हैं, लंबे हो गए। तो दोस्तों ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते इसकी, तो चलो देखते हैं आगे। और मैं इसे और भी बनाऊंगा मैं अभी, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा था। एक बार बोतल में ज़्यादा ठोक ठोक के नहीं भर सकते, ज़्यादा भर देते हैं तो फिर ऐसा होता है वो प्रेशर मार देती है बोतल वापस। जैसे हमने ज़्यादा भर दिया उसके अंदर ठोक ठोक के भर देते हैं, तो इस तरह ज़्यादा नहीं भरना चाहिए क्योंकि ज़्यादा भरने पर ना बोतल जब आप उसे आग दोगे तो उसका प्रेशर मार देगी, सारा सामान नीचे निकल जाएगा। तो सिर्फ इतना ही भरना है हल्के हाथ से जितना उसमें आ जाए। और एक भरने के बाद है ना, आप कुछ लोहे की सीख या लकड़ी लें और उसमें इस तरह डालकर इस तरह ज़रूर घुमा दें, क्योंकि बोतल के अंदर पूरी डाल के इस तरह घुमाने से इस पूरी इसके अंदर ताकि एक सुराख हो जाए लकड़ी वगैरह से, ताकि उसका प्रेशर बन के वो बाहर की तरफ ना निकले अपना सामान। इस तरीके से आपने ज़रूर करना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आपने सामान थोड़ा सा ठोक ठोक के इस तरह भर दिया है बोतल के अंदर, तो उस बोतल के अंदर एक तरह एक लकड़ी डाल के इस तरह थोड़ी सी मोटी, मतलब इससे थोड़ी सी मोटी हो, इस तरह उंगली बराबर हो, इससे थोड़ी सी पतली उंगली जैसी, ऐसे डाल के बिल्कुल उसमें और इस तरीके से घुमा देनी है ताकि उसके बीचों बीच अंदर सामान के बीचों बीच में अंदर तक एक थोड़ा सा बारीक सा सुराख हो जाए, स्पेस हो जाए, ताकि प्रेशर से तेल आसानी से निकले, ताकि हमारी अज्जा जो हमने भरी है वो ना निकले। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।